हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए, मैं बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। आप जैसे मतलब मार्केट खुलते ही देख सकते हैं, जो प्रीवियस क्लोज था उसी के नज़दीक आपको मार्केट खुलता हुआ देखने को मिला। बाद में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बाद में अराउंड 2 बजे जैसे आपको मार्केट में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और ग्रीन हरे पैटर्न में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। नेट आप देख सकते हैं 162 पॉइंट्स की तेज़ी आपको आज देखने को मिली। उसी के साथ अगर आप सेंसेक्स देखेंगे, वो सिमिलर चार्ट पैटर्न ही फॉलो करता हुआ देखने को मिला। लेकिन जब सेंसेक्स खुला वो आप देख सकते हैं मतलब गैप डाउन से ओपन होता हुआ देखने को मिला। बाद में क्लोजिंग आपको सेम हरे चार्ट पैटर्न में देखने को मिला, जो कि अराउंड 535 पॉइंट्स की तेज़ी आपको आज देखने को मिल रही थी। उसी के साथ मेजर अगर इंडेक्स देखेंगे जो आज की तेज़ी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तब देख सकते हैं ऑटो में अच्छी खासी तेज़ी थी। उसके साथ निफ्टी आईटी में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी मेटल में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखेंगे हल्का सा प्रेशर आपको थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता हुआ देखने को मिल रहा था, जो कि प्राइवेट बैंक से था। लेकिन PSU से आपको हरा मतलब हल्का सा हरा आपको आज देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे FIDIs का डाटा, अगर आप देखेंगे तो आज FIs ने जब के माल सेलिंग किया है, जो कि 1400 करोड़ का, अगर DIs का देखेंगे तो उन्होंने 1800 का करोड़ का बाइंग करता हुआ देखने को मिला और मार्केट को सपोर्ट उनकी ओर से थोड़ा मिलता हुआ देखने को मिला है। आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, FIs जब भी बाई करते हैं आपको बहुत ही मिनिमल अमाउंट, जो कि 200-300 करोड़ का बाइंग करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो ऑन द अदर साइड जब भी वो सेल करते हैं आपको बहुत ही बड़े अमाउंट से सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि हमारे मार्केट में हल्का सा मतलब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर उनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा होता तो हमारा मार्केट और भी आपको ऊपर के लेवल पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको आज पूरा हरा चार्ट पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन बाजार में भी आपको ग्रीन चार्ट पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। सिमिलर सेम पैटर्न आपको हमारे चाइनीज बाज़ार या फिर आपको न्यूजीलैंड का, जो कि जापान का बाज़ार, जो भी देखेंगे तो आपको ग्रीन पैटर्न ही देखने को मिल रहा था। उसी के साथ अगर हम देखेंगे जो कि निकाई, जो कि जापान का बाज़ार है, अगर आप देखेंगे तो इसने आज 836 पॉइंट्स की तेज़ी आपको इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रहा था। अगर आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जो कि एक साल में अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्लस ये मार्केट कुछ चला ही नहीं, देख सकते हैं 1991 से 2021 तक आप देख सकते हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 30 साल तक मार्केट चला ही नहीं, आपको कुछ बना ही नहीं। अगर आप किसी ने अगर ये लेवल पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ से अभी तक आप देख सकते हैं सिर्फ 10-12% ही, इसको कभी कभी तो माइनस भी था। ऑलमोस्ट 10-12% की रिटर्न ही उनको मिला था 2021 तक। उसके बाद वहाँ से आपको मार्केट ने थोड़ा तेज़ी पकड़ कर अभी आप ये मार्केट आपको देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी का भी यही मतलब डर लग रहा है कि काइंड ऑफ बबल क्रिएट हो रहा है जापान बाजार में, कहीं ये गिर ना जाए और ना कोई मतलब पहले जैसा कंसोलिडेट ना करे या फिर नेगेटिव रिटर्न देने के लिए ना जाए करके काइंड ऑफ फियर आपको मार्केट में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर हम डाउ जोन्स देखेंगे तो देख सकते हैं डाउ जोन्स में तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 327 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, जहाँ 0.85% की टोटल तेज़ी देख सकते हैं और प्लस ये भी आपको ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे इंडिया में आपको इस पर इलेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि अप्रैल मई में है, वैसे आपको अमेरिका में भी इस साल इलेक्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको ऑलमोस्ट नवंबर में आ सकता है। आपको बहुत ही अनसर्टेनिटी अमेरिकन बाजार में भी आपको देखने को मिल सकती है ड्यू टू इलेक्शन ईयर। उसके बाद अगर हम देखेंगे जॉबलेस का डाटा आज आया है, अगर आप देखेंगे वीकली जॉब डाटा जो कि 29 फरवरी आज है, 22 फरवरी आज आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड 2,17,000 का एप्लीकेशन आएगा करके जॉब लॉस क्लेम का, लेकिन आया है अराउंड 2,01,000 मतलब 2,10,000 जैसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है।
इसके दौरान भी आप आज मार्केट में थोड़ा आपको ग्रीन चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्लस आप अगर हम देखेंगे तो इनकी जो एक आईटी कंपनी जो कि अभी बहुत ही बड़ी बन चुकी है जो कि एनवीडिया, सो उसमें भी कल उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे। सो उसके दौरान आप देख सकते हैं 14% की तेज़ी आपको उसके रिजल्ट्स के बाद देखने को मिला है। उसके दौरान आप देख सकते हैं नैसडैक में भी उसी का तेज़ी आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2.70% की तेज़ी आपको आज नैसडैक में भी देखने को मिल रहा है। अगर नैसडैक और अमेरिकन आईटी कंपनीज ऐसे भाग रहे हैं तो हमारे इंडियन बाज़ार में भी आप कल आईटी कंपनीज में तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एडियास मतलब इन्फोसिस देख सकते हैं 2.25% की तेजी है, HDFC बैंक 1.16% की तेजी है, ICICI बैंक 1.18%, विप्रो देख सकते हैं 2.43% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, और डॉक्टर रेडिस का ADR में देख सकते हैं 1.39% की तेजी देखने को मिल रही है। सो कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बाजार में भी आपको ग्रीन हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो एक प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम देखेंगे तो शायद हमारा कल भी हमारा बाजार भी ग्रीन चार्ट पैटर्न में हो सकता है करके एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसी के साथ अगर आप देखेंगे स्पाइस जेट से, सो स्पाइस जेट से आज एक खबर आई है, देख सकते हैं कि एडिशनल फंड राइज का अप्रूवल मतलब कर रहे हैं करके, उनको अप्रूवल मिला है मतलब फंड राइज कर रहा है करके, रेजस एडिशनल 316 crores का, इसीलिए आप स्टॉक ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी से आपको जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर स्पाइस जेट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कोर्ट के केस के थ्रू ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इसके लेंडर से जो भी इनके जो भी क्रेडिटर से उन्होंने इनको NCLT तक भी लेके जा चुके हैं, कोर्ट में केस भी चल रहा है कि इसको बंद करो करके। सो इसीलिए वो उसके बीच में जूझ रहा है, और आज इनको एक न्यूज़ आया है कि फंड रेजिंग हुआ है अराउंड 316 crores का। सो इनको फंड की बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए इनको फंड रेज करते रहना पड़ेगा, जो कि इनका मतलब जो ड्यूज़ है और जो भी लोन है उनको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आज एक देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट से भी इनको आज एक ऑर्डर आया है कि अराउंड $2 million अपने जो लेसर्स है उनको February 29 तक पे करना है करके। सो इनिशियल ऑर्डर था ऑन January 29 को कि अराउंड $4 million उनको February 15 तक पे करना था, लेकिन एयरलाइन हैज़ पेड ओनली $2 million डेडलाइन सेटिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब उन्होंने बताया कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो लोग 4 million पे नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने $2 million अभी तक क्रेडिटर्स को दे चुके हैं, मतलब लेंडर्स को दे लेसर्स को दे चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको उनको एक्सटेंशन चाहिए February 29 तक। सो बताया है कि हाई कोर्ट्स डायरेक्ट स्पाइस जेट टू पे $2 million टू लेसर्स बाय February 29, मतलब ये डेट के अंदर पे करना है करके इनको आज ये न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो एक तरफ सच्ची कुछ अच्छी खासी खबर है जो कि 316 crore का फंड रेस हुआ है, उसी के साथ इनको पेमेंट का भी डेडलाइन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इनके ऊपर बहुत ही हैवी कर्जा है, इसलिए आप देखेंगे तो इसका स्टॉक पैटर्न देख सकते हैं, आज के लिए आपको 2% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही वॉलेटाइल होता है, बहुत ही ट्रेडिंग स्टॉक में होता है, रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए जाता है क्योंकि देख सकते हैं 66 rupees का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए कम का स्टॉक है, सो ये लोग अभी इसमें जाने को बहुत प्रेफर करते हैं। सो इनका जाने का मतलब हम देख सकते हैं कितने रिस्की आपको पैसे हो सकता है अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करने के जाएंगे तो, बहुत ही आपको मतलब रिस्क आपके यहाँ पर आगे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे एंजल वन जो कि स्टॉक ब्रोकर हैं, सो उनको आज एक न्यूज़ आया है कि टू रेजेस 2000 crore बाय इशूइंग शेयर्स। सो बता रहे हैं कि वो लोग अभी फंड रेस कर रहे हैं अराउंड 2000 crore इशूइंग शेयर्स। सो देखना पड़ेगा ये कब तक कंप्लीट हो सकता है करके। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये खबर के बाद अगर देख सकते हैं आज आपको कुछ इस स्टॉक में कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिली, ऑलमोस्ट आपको गिरावटी देखने को मिल रही थी। सो देखना पड़ेगा कल इस स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया से एक न्यूज़ आया है कि ये लोग अभी फंड रेज करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं करके। सो जैसे मैंने आपको स्पाइस जेट का बताया जो कि कोर्ट केसेस में चल रहा है और बहुत ही कर्जे में डूबा हुआ कंपनी है, वैसे सेम आपको वोडाफोन आइडिया में भी हो रहा है। वोडाफोन आइडिया में अब कोर्ट केसेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हाई
कर्ज आपको देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए बैंक्स ने इनको बहुत ही प्रेशर करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट ने तो उसका जो स्पेक्ट्रम का ड्यूज था वो उन्होंने तो उसको इक्विटी में तब्दील कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा राहत इनको मिली है। लेकिन बैंक्स में भी इनको बहुत ही अच्छा खासा कर्जा अभी भी है। सो इनका प्रेशर इनके ऊपर है, इसलिए ये लोग अभी लगातार फंड रेजिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। सो इन्हें बता रहे हैं कि फंड रेजिंग का मेन रीज़न है कि इनको 5G में एनरोल करना है, इसीलिए लोग फंड रेजिंग का कर रहे हैं और बहुत ही स्लोली ये फंड रेजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर इतना आसानी से नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको बहुत ही हैवी कर्जा देखने को मिलेगा। जितना ये कंपनी अर्न करती है वो पूरा आपको इंटरेस्ट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी लॉस के ऊपर लॉस पोस्ट करते ही जा रहा है। इसलिए किसी को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सके, उतना हैवी कर्जा लेकर कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आज इस खबर से आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट 6.5% की तेज़ी आपको आज देखने को मिल रही थी। तो अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे अपने टॉप हाई से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 86-87% की गिरावट आपको आज ऑलमोस्ट टोटल देखने को मिल रही है। इसको मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज इसको इस खबर के दौरान आपको 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये सिर्फ मेनली मतलब ट्रेडिंग का स्टॉक बन चुका है, सो अभी इसका रिवाइवल होना अभी भी बहुत ही मुश्किल है। और इसके जो कॉम्पिटिटर है एयरटेल एंड जियो, वो लोग ऑलमोस्ट अपना मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। सो इसको करके इसमें बिजनेस में कमबैक करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और रेगुलरली यूजर से रेगुलरली ये लूज करते जा रहा है और कॉम्पिटिटर उसको गेन करते जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।